किसान का मतलब ये है कि उसके पास अपनी गाय है, गोबर गोमूत्र है। बीज को बोने से पहले जो उपचारित किया जाता है उसके लिए जो फॉर्मूला बना है उसको हम बीज अमृत कह रहे हैं। फिर अमृत पानी की हम बात करते हैं, जैविक खाद की तरह हम इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान का मतलब ये है कि उसके पास अपनी गाय है, गोबर गोमूत्र है। अगर उसके पास अपनी गाय बैल ये नहीं है तो हम उसको किसान नहीं मान सकते, क्योंकि किसान के पास सारी चीजें अपनी होनी चाहिए। और जैविक खेती में तो हम यही कहते हैं कि बाहर से हम कुछ नहीं डालेंगे, हम बीज भी बाहर से नहीं लेंगे, खाद भी बाहर से नहीं लेंगे, स्प्रे भी बाहर से नहीं लेंगे। तो किसान के पास अगर अपनी गाय है तो वो उससे गोबर और गोमूत्र से मिला के वो जैविक खाद बना सकता है। तो इसमें जैसे बीजामृत, मैं बीजामृत की बात करूंगी, क्योंकि आज के टाइम में सीड ट्रीटमेंट एक बहुत माना हुआ कंसेप्ट है कि आप पहले ही बीज को का उपचार करें और फिर उसको आप बोएंगे, तो जो मिट्टी से बीज के थ्रू जो जो बीमारियां आनी थी वो नहीं आएंगी। तो बीज को बोने से पहले जो उपचारित किया जाता है तो उसके लिए हम देसी तरीके से कैसे करेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला बना है उसको हम बीजामृत कह रहे हैं। इसमें हम 5 किलो गाय का गोबर लेंगे, 5 लीटर गोमूत्र लेंगे, 1 लीटर दूध लेंगे और 1 पाव मतलब 250 ग्राम चूना लेंगे। इन सबको मिला के 100 लीटर पानी में हम मिला के रख देंगे रात भर के लिए, और फिर बीज को उसमें डुबोएंगे और उसको सुखा के फिर हम बिजाई कर देंगे। तो ये बीज उपचार का काम करेगा बीज अमृत। फिर अमृत पानी की हम बात करते हैं, जैसे अमृत और पानी, अमृत जो है एक बड़ा अच्छा वो है कि अमृत, तो अमृत पानी है। इसमें भी हम गाय का गोबर लेंगे, 10 किलो लेंगे, 500 ग्राम इसमें हम शहद मिलाएंगे। पहले इसको बहुत अच्छे तरीके से मिला लेंगे, उसके बाद इसमें हम 1 पाव मतलब 250 ग्राम गाय का घी डालेंगे। जैसे अमृत बनाने के लिए गाय का घी हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं, तो गाय का घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 200 लीटर पानी में इसको घोलेंगे और फिर हम इसको एज ए फर्टिलाइजर, तरल जैविक खाद की तरह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर जीवामृत है, जैसे जीवा अमृत, जीव के लिए अमृत, तो ये अपने आप में जैसे इसका नाम है कि जीव के लिए अमृत है। जीव, जीव का मतलब सूक्ष्म जीव जो हमारी मिट्टी में है। अगर हम इसको भूमि में डालेंगे, भूमि में जो सूक्ष्म जीव है उनके लिए ये अमृत का काम करेगा। इसके लिए इसकी रेशो रहती है 5:1 मतलब गाय का गोबर और गोमूत्र हम 5 गुना लेंगे, उसमें गुड़ और बेसन 1 गुना लेंगे। तो शुरू में हम 1 एकड़ के लिए 200 लीटर ये घोल तैयार करते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम 100 लीटर में हमारा काम चल जाता है। तो जैसे 1 एकड़ की अगर बात करते हैं तो 40 किलो हम गोबर लेंगे, 40 लीटर गोमूत्र लेंगे, 8 किलो गुड़ और 8 किलो बेसन लेंगे। इस सारे को 100 लीटर पानी में घोल के रख देंगे 7 से 10 दिन तक। गर्मियों में है तो क्रिया थोड़ी जल्दी होती है, तो 7 दिन में वो क्रिया हो जाएगी, गुणात्मक क्रिया जो है। और अगर सर्दियों में है, थोड़ी सर्दी होने की वजह से प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाती है, इसलिए उसको 10 दिन तक रखेंगे। और फिर जैसे हम खेत में पानी लगा रहे हैं तो जहां से हमारा पानी शुरू हो रहा है खेत में लगने के लिए, वहां उसको हम ड्रम में रख के धीरे धीरे डालते रहेंगे, सिंचाई के साथ हम खेत में दे देंगे, तो वो खेत में जीवों के लिए अमृत का काम करेगा। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।